हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मेरा शंकर झा, और इस बात को मुझे खेद है कि मैं आपके चार पांच या छः दिन से मैं करंट अफेयर नहीं डाल पाया था, क्योंकि कुछ काम था। रेगुलर नहीं हूँ, अब से मैं रेगुलर रहूँगा, पंचुअल रहूँगा, और आप लोग का कल या मैक्सिमम परसों, उसके कल से ही आप लोग का बोर्ड पर भी क्लास शुरू हो जाएगा। और जितने बैंकिंग के कॉन्सेप्ट हैं, जितने मैं दो सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, एक बैंकिंग एक रिजनिंग, अल्टरनेट डे में पढ़ाऊँगा, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो बोर्ड पे भी मैं जल्दी आ जाऊँगा, और आप लोग का इंग्लिश का भी क्लास होगा, वो दूसरे सर लेंगे, मैथ का भी क्लास लेंगे, वो अमित सर लेंगे आप लोगों का। तो आपका जितने भी बैंकिंग में कॉन्सेप्ट हैं, सारे कॉन्सेप्ट मैं बताऊँगा, बैंकिंग का सब चीज़ बताऊँगा, सारे बैंकिंग का हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, और रीजनिंग में पढ़ाऊँगा, और अब से पंचुअल दूँगा, चूँकि कुछ काम थे। और ये रहा आप लोगों के सामने फर्स्ट क्वेश्चन। नेम द इंडियन पेसर हु हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट एग्जैक्टली 13 ईयर्स आफ्टर मेकिंग हिज इंटरनेशनल डेब्यू। भारतीय तेज गेंदबाज का नाम बताइए। पेसर थे जिन्होंने अपनी अंतर्राष्ट्रीय शुरुआत के ठीक 13 साल बाद, एकदम करंट एग्जैक्ट 13 ईयर्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जो है 7 ओवर की घोषणा की है। तो ये आरपी सिंह ने ही जो है वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जो है अपना संन्यास लेने की घोषणा की है। और आरपी सिंह जो है 82 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, और इन्होंने बाकी की ओवर पिक ओवर जो है ज़्यादा ही 100 विकेट से ज़्यादा लिए हैं। और ये 2005 से 2011 के बीच खेला गया है 1000 मैच, और ये 32 ईयर्स ओल्ड हैं। जब ये 2007 में वर्ल्ड कप T20 इन्होंने जिताया था, T20 टीम को विनिंग टीम बताया था, और इन्होंने 82 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। ये आरपी सिंह ही है जिन्होंने संन्यास लिया है। नेम द नन लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडर दैट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ @Secureए सेवर इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर इंडिविजुअल्स। पहला तो ये इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, नन लाइफ इंश्योरेंस है। उस गैर जीवन बीमा प्रदाता का नाम बताइए जिन्होंने या जिसने व्यक्तियों के लिए एक साइबर बीमा पॉलिसी @Secureलॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये HDFC एर्गो है, ये HDFC बैंक का ही पार्ट है, उसी का हिस्सा है ये इंश्योरेंस, ये नन इंश्योरेंस कंपनी है, और इन्होंने ही ये @Secureकी घोषणा की है। और ये देखिए आप लोग एक लाइन में समझ लीजिए, ये जो पोर्टल है या ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी है ये जो पॉलिसी है, और इस पॉलिसी के मेन एम है कि कोई भी साइबर अटैक अगर होता है किसी फैमिली पे, तो वो इसको कवर करेगा, या कोई साइबर फ्रॉड्स कर लिया या डिजिटल थ्रेट्स कर दिया तो उसको ये कवर करेगा। अब इसको इंग्लिश में सुन लीजिए कि दिस पॉलिसी एम्स एट प्रोवाइडिंग कंप्रीहेंसिव प्रोटेक्शन टू इंडिविजुअल्स एंड देयर फैमिलीज अगेंस्ट एनी साइबर अटैक्स, साइबर फ्रॉड्स और डिजिटल थ्रेट्स दैट कुड लीड टू ए फाइनेंशियल लॉस और रिपुटेशनल लॉस। कोई भी प्रकार का अगर लॉस होता है, या तो फाइनेंशियल लॉस हो जाए या आपका रिपुटेशनल लॉस होगा, तो ये भरपाई जो है वो HDFC ERGO कंपनी के द्वारा, ये @Secureपॉलिसी के द्वारा किया जाएगा। यही है @Secureपॉलिसी, ठीक है। द यूनियन ऑफ मैक्रो MSME, मैक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, अप्रूव्ड ए प्रपोजल बाय द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री द वेजेस ऑफ आर्टिसंस बाय ओवर हाउ मच परसेंट। केंद्रीय लघु और मध्यम मंत्री MSME कौन है? MSME मंत्री कमेंट में बताइए आप लोग। ये गिरिराज सिंह है, ठीक है। MSME मंत्री कौन है कैबिनेट? ये गिरिराज सिंह है। ने खादी और जो है ग्रामो उद्योग आयोग के लिए कितने प्रतिशत से अधिक कारीगरों की मजदूरी बढ़ाने की प्रस्तावना की मंजूरी दे दी है? तो ये अब तो 36% बढ़ाने की मंजूरी दे दी है खादी बिल्डर इंडस्ट्री में। और इसमें तो आप ज़्यादा कुछ जानना नहीं, कि बस इतना जान लीजिए कि 36% बढ़ा दिया गया है। इंडो कजाकिस्तान ज्वाइंट आर्मी एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड बिटवीन इंडियन एंड कजाकिस्तान
army in outer region Kazakhstan. This exercise has been named as ये जो भारतीय का जो भारत और कजाकिस्तान संयुक्त सेना अभ्यास जो एक एक्सरसाइज चल रहा है अवतार क्षेत्र में भारत और कजाकिस्तान सेना के बीच आयोजित किया जाएगा. इस अभ्यास को किस रूप में नामित किया गया है? ये काजिन के रूप में नामित किया गया है और ये 10 से 23 सितंबर को चलेगा. लगभग ये 13 दिन का एक्सरसाइज है और ये ओटा रीजन में चलेगा, कजाकिस्तान में होगा, ना कि इंडिया में. और ये दो कंट्री के बीच चलेगा, किसके उसके बीच? भारत और कजाकिस्तान. और इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? काजिन. ये सक्सेस का नाम क्या है? काजिन. ठीक है, और इससे अधिक कुछ नहीं जानना इसमें. नेम द पाकिस्तान तहरीक ई इंसाफ कैंडिडेट हु वाज रिसेंटली इलेक्टेड एज द 13th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ की उम्मीदवार, ये एक पार्टी का नाम है, तहरीक ए इंसाफ के उम्मीदवार को नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में पाकिस्तान के 13वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है या चुना गया. तो ये आरिफ उर रहमान है, इनका पूरा नाम ऐसे बोल सकते हैं आरिफ उर रहमान अलवी, लेकिन आरिफ उर रहमान ही एग्जाम में आपको दिया जाएगा. आरिफ उर रहमान को ही ये तहरीक ए इंसाफ के पार्टी के तहत 13वां राष्ट्रपति पाकिस्तान का चुना गया है. और ये इन्होंने जो जितना भी टोटल वोट पड़ा है, ये 27 टोटल वोट्स कास्टिंग इन्वॉल्व, इनको 27 वोटों से जीत ही गए. ठीक है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल सिटीज द इंटरनेशनल वुमेन एंटरप्रेन्योर समिट 2018 वाज हेल्ड रिसेंटली अंडर थीम ऑफ इक्वलिटी बिगिंस विद इकोनॉमी एम्पावरमेंट. ऐसे ये मैनुअली वुमेन के लिए किया गया है, फिर भी आपको सुना रहते हैं कि ये जो इक्वलिटी बिगिंस विथ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट थीम के तहत किस राजधानी शहर में अंतर्राष्ट्रीय महिला उद्यमी शिखर सम्मेलन 2018 आयोजित किया गया है. तो ये काठमांडू में ही आयोजित किया गया है. और इसको आप पूछेंगे कि जो इस ये जो आयोजित किया गया, इसको जो गवर्न किए हैं, ये हेडेड किया गया है या इनोग्रेटेड किया गया है? ये वाइस प्रेसिडेंट जो है नेपाल के नंदा बहादुर पुन, जिनको कि अभी अभी 4 महीना पहले ये जीत के जीते हैं वहाँ से, इन्होंने ही ये वाइस प्रेसिडेंट जो है नेपाल के नंदा बहादुर पुने, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है. और ये 3 दिन का चलेगा. क्या? इक्वलिटी बिगिंस विथ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट काठमांडू में. ठीक है. द इंटरनेशनल एविएशन समिट 2018 वाज हेल्ड रिसेंटली इन, ये अभी अभी क्वेश्चन ही पूछा जाना चाह रहे कि अभी अभी एक नकी इंटरनेशनल एविएशन समिट का जो अभी अभी उद्घाटन किया गया है, कहाँ किया गया है? ये मैंने कि अंतर्राष्ट्रीय में इसको कह सकते हैं कि हिंदी में बोल सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय विमानन शिखर सम्मेलन 2018 हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? ये न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है. और आप तो जानती हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट एसोसिएशन के जो हैं वो जो मिनिस्टर हैं वो सुरेश प्रभु जी हैं. और ये न्यू दिल्ली में किया गया है. बस. नेम द इंग्लैंड्स हाईएस्ट टेस्ट रन स्कोरर हु वाज या हु हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट आफ्टर फाइनल टेस्ट अगेंस्ट इंडिया. इंग्लैंड के उच्चतम टेस्ट रन स्कोरर का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में भारत के खिलाफ अंतिम टेस्ट के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी गई. ये एलिस्टर कुक थे, ये इंग्लैंडियन हैं, इंग्लैंड के हाईएस्ट टेस्ट रन स्कोरर हैं. इन्होंने ही रिटायरमेंट की घोषणा कर दी गई है और इन्होंने अपने करियर में 12,254 रन बना दिए हैं, 32 सेंचुरी मारे हैं और 160 टेस्ट खेले हैं इंग्लैंड से. ठीक है, एलिस्टर कुक. इन ए बिड ऑफ बूस्ट PM Modi's flagship Digital India campaign, government will soon distribute mobile phones to women under the Bhamasah Yojana. एक भामाशाह योजना है, मैं पढ़ाऊंगा सारे जितने भी स्कीम है, चाहे बोर्ड पे क्वेश्चन बनाने हैं तो मैं सारी चीज बताऊंगा. ऐसे ही पेपर में दिया है, अच्छी चीज, बहुत बढ़िया. इससे लगभग देखिए ये क्वेश्चन आना चाह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा डिजिटल इंडिया के बढ़ावा देने के लिए सरकार किस शहर में या किस जगह सरकार जल्दी भाषांश योजना के तहत महिलाओं को मोबाइल फ़ोन वितरित करेगी. और ये
जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे, उन्हीं को ये श्रेय दिया गया है। प्रधानमंत्री के रेफरेंस से उन्होंने ये लगभग 50,000 महिलाओं को मोबाइल फोन फ्री वितरित किया जाएगा बिलो पॉवर्टी लाइन के तहत, बीपीएल के तहत, जो बीपीएल के अंदर आते हैं। तो ये राजस्थान में ही है, ये राजस्थान में लॉन्च किया गया है, जहाँ की 50,000 बीपीएल के तहत किसानों को मोबाइल वितरित किया जाएगा। और ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, ये भी आपको बता देना कि उसके लिए ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। ये कैंपेन है डिजिटल इंडिया कैंपेन है, इसी के तहत राजस्थान को किया है। राजस्थान के सीएम है वसुंधरा राजे और राजस्थान के गवर्नर हैं कल्याण सिंह, ठीक है। एज पर द रिसेंट अनाउंसमेंट बाय द गवर्नमेंट, नेशनल न्यूट्रिशन मंथ विल सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री इन टू मार्क द फाइट अगेंस्ट द मेल न्यूट्रिशन। सरकार द्वारा हाल ही में घोषणा के अनुसार कुपोषण के खिलाफ, जिससे कि लगभग इंडिया में अब तो खत्म अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इंडिया में लगभग 4-7% बच्चों की मृत्यु हो जाती है सिर्फ कुपोषण की वजह से, सिर्फ नेशनल न्यूट्रिशन की वजह से, ठीक है। तो कुपोषण के खिलाफ लड़ाई को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय पोषण माह, नेशनल न्यूट्रिशन मंथ, किस की मंथ में मनाने की घोषणा की गई है, ये सितंबर में मनाया जाएगा। ये द नेशनल न्यूट्रिशन मंथ इज बीइंग सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री टू मार्क द फाइट अगेंस्ट मैल न्यूट्रिशन। ड्यूरिंग दिस मंथ वेरियस प्रोग्राम्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री टू स्प्रेड ब्रॉड अवेयरनेस ऑन द इशू रिलेटेड टू मैल न्यूट्रिशन लाइक स्टंटिंग इन द न्यूट्रिशन, एनीमिया एंड लो बर्थ वेट इन चिल्ड्रन। इसके तहत जितने भी आते हैं, जैसे कि कोई स्टंटिंग है, अंडर न्यूट्रिशन है, कोई कुपोषण का लगता है, किसी को एनीमिया बीमारी है, या किसी का जन्म हुआ है तो बहुत कम वजन है, तो उसके तहत भी सितंबर में इसको ऑर्गेनाइज किया गया या सेलिब्रेट किया गया की घोषणा की गई है। द आरबीआई आस्क्ड ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक विच मोर देन हाउ मेनी ब्रांचेस टू अपॉइंट एन इंटरनल ओम्बडसम स्कीम। देखिए, मैं जैसे ही बैंकिंग शुरू करूँगा, जितने भी स्कीम है ये सब मैं पूरे डिटेल्स में बताऊँगा। ये आरबीआई के ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को कितने से अधिक शाखाओं के साथ एक आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने के लिए कहा गया है, 10। कितने कहा गया है? 10, ठीक है। और ये बता देते हैं जरा सा एक लाइन में कि ओम्बडसम स्कीम होता क्या है। ये और पहले इसमें दो क्वेश्चन है, एक ओम्बडसम स्कीम है और दूसरा है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक क्या होता है। इस शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इट सेट टू बी विच अंडर द एक्ट 1935, जो कि 1935 के एक्ट के अंदर आरबीआई के तहत आता है, उसको शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कहते हैं। और जो 1935 आरबीआई के एक्ट के तहत नहीं आता है उसको अनशेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कहते हैं, ठीक है। बाकी मैं बताऊंगा सारी चीज, बस इतना ही इसमें जानना है। और ओम्बडसम स्कीम एक कंप्लेंट बोर्ड है, अगर आपको कोई बैंक से शिकायत है या आपके बैंक या आपका लोन कुछ भी शिकायत है विथ रिस्पेक्ट टू एनी थिंग यू कंप्लेंट फ्रॉम बैंक, तो आप ये ओम्बडसम स्कीम को तहत भेज सकते हैं। अगर ओम्बडसम स्कीम भी आपकी बात नहीं सुन रहा है तो ये आपको लास्ट डिप्टी गवर्नर के पास आना, वो तो सुनेंगे ही, लेकिन ओम्बडसम स्कीम सुन जाता है। इसके तहत ये लगभग 1996 में ये ओम्बडसम स्कीम आया है, ठीक है। नीति आयोग CEO अमिताभ कांत अनाउंस्ड दैट इंडिया विल शॉर्टली अनवील ए पॉलिसी फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट दैट विल इंटेल कनेक्टिविटी बिटवीन वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉलिसी? नीति आयोग के मुख्य अधिकारी जो हैं या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने घोषणा की है कि भारत जल्द ही सार्वजनिक परिवहन के लिए एक नीति का अनावरण करेगा जो परिवहन के विभिन्न प्रणालियों के बीच कनेक्टिविटी को लागू किया करेगा या किया जाएगा। उस नीति का क्या नाम है? उस नीति का वन नेशन वन कार्ड पॉलिसी। क्या नाम है उस नीति का? वन कार्ड वन पॉलिसी। इसके लिए है ये फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। इससे क्या होगा? इससे इंटेल है कनेक्टिविटी बिटवीन वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और अभी तो ये किया नहीं गया है, लेकिन इसका समिट 2018 में दिल्ली में ही किया जाएगा, 2018 में हो जाएगा। अभी ये सिर्फ नेम का पॉलिसी का नाम आया है, लेकिन उद्घाटन अभी नहीं हुआ है। और इसका उद्घाटन जो है अमिताभ कांत ही करेंगे। और ये वन नेशन वन कार्ड पॉलिसी यही है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था और बेस्ट क्वेश्चन मैं देता हूँ, जिससे कि आप लोग को ज़्यादा पढ़ना पड़े। और आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, मैं कल फिर आऊँगा।